सवाल है रोहन का, एमपी से। पूछिए रोहन जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा किड़िया सर से सवाल है सर, चना 5500 से 6000 हो जाएगा क्या इस बार? पिछले एक हफ्ते से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर का 200-300 रुपए प्राइस प्लस भी हुआ है पिछले एक हफ्ते में। क्या लगता है कि 5500 से 6000 हो पाएगा इस बार? बताइए केडिया जी। देखिए, चने के फंडामेंटल देखें तो काफी अट्रैक्टिव थे पिछले साल से ही, और जिस ढंग से गवर्नमेंट इंटरवेंशन टाइम टू टाइम रहा है, ये प्राइजेस पे अपसाइड को कैप रखा है। तो उम्मीद जरूर है कि दिवाली तक प्राइजेस बढ़ेंगे, बट 6000 के करीब जाना थोड़ा सा डाइजी है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने, क्योंकि मानसून में भी इसका कंजम्पशन बढ़ जाता है और मानसून के तुरंत बाद फेस्टिवल डिमांड रहती है, तो बिल्कुल तेजी है। बट 6000 आई थिंक थोड़ा सा हायर रहेगा, आप 5800-5850 का एक इनिशियल टारगेट लेके चल रहे। अजय जी, नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा हलचल हुई है, और आप देखिए कि अमेरिका में जिस तरह से एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है यूएस से, उसके बाद यूएस में कल दाम बहुत गिरे, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी पड़ा, लेकिन यूरोप में दाम बहुत बढ़ गए। आज हालांकि मार्केट थोड़ा सा रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो नेचुरल गैस में अभी क्या किया जाए? नेचुरल गैस में तीन बड़े इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से ये उछाल और फॉल दोनों ही देखा हमने। पहला, यूएस की एक रिफाइनरी में जो एक्सप्लोजन हुआ उसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हुआ, जो प्राइसेस को गेन किया। बट अब एक अपडेट आया है कि अगले 90 दिन के अंदर हम इस चीज को रिपेयर कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस में 2 दिन से फॉल भी था। बट अब बताया जा रहा है कि जो ओवरऑल सप्लाई डेफिसिट है वो 90 दिन में पूर्ति नहीं की जाएगी, जिसके चलते वेरी हाई डिमांड रहेगी और प्राइसेस में स्ट्रांग रिवर्सल हम इमीडिएट में देख पाएंगे। वहीं यूरोप के अंदर आप देखिए, रशिया से जो भी गैस सप्लाई होती थी वो पहले से ही बंद थी, और जो सप्लाई यूएस से हो रही थी अब वो भी कहीं ना कहीं खटाई में पड़ते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने ये डिस्पर्शन देखा, जहां पे यूएस गैस में तो गिरावट आई क्योंकि सप्लाई अब इंप्रूवमेंट होने वाली है, और वहीं यूरोप में तेजी बनी। बट ओवरऑल मेरा मानना है कि अभी भी वेरी हाई डिमांड की एक्सपेक्टेशन है, जिस ढंग से वेदर वार्मर हुआ है, तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिनों तक मार्केट में वापस गिरावट के तेजी का रुख कायम रहेगा। इधर भी हम लेके चल सकते हैं, उम्मीद है कि ये इमीडिएट जो टारगेट है वो रहेगा 585, प्राइजेस ने ऑलरेडी इसको टेस्ट कर दिया है, बट मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल 605 का रहेगा। बट यहाँ पे शॉर्ट ना कीजिए, वापस प्राइजेस में गेंस रहेंगे। ठीक है, प्रमोद हैं नेक्स्ट कॉलर, प्रमोद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए प्रमोद जी। नमस्ते केडिया जी। जी जी पूछे, केडिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पूछिए आप। हाँ, मैं केडिया जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अपने एक तो अगस्त तक क्या गवार 8000 रुपए और धनिया 18000 रुपए करवा दोगे कि नहीं करवा दोगे, क्या कैसे रहेगा केडिया जी? करवा सकते केडिया? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि केडिया जी मतलब करवा सकते हैं, करवा नहीं रहे हैं, बताइए केडिया जी क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? मृत्यु जी, मेरे कोई ऐसे है नहीं कि मैं खुद ना ट्रेड करता हूं, और मैं एक डिस्क्लेमर, मेरी कोई पोजीशन भी नहीं है और ना मैं करता हूं ट्रेड इसमें। देखिए, फंडामेंटल और टेक्निकल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। गवार में नो डाउट मार्च से एक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन जिस ढंग से थोड़े बहुत हमने इक्विटी मार्केट में फॉल या पीक मार्जिन, उसकी वजह से वॉल्यूम्स में थोड़ा ड्रॉप हुआ है। बट एक नई चीज डेवलपमेंट हुई है कल के दिन, यूएस के अंदर एक सरटैक्स लगाया गया है, जिसकी वजह से जो भी ऑयल एंड गैस कंपनी प्रॉफिट करती है वो उनको वापस प्रोडक्शन बढ़ाने में करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज कच्चे तेल में गिरावट भी है। अगर यूएस का प्रोडक्शन बढ़ता है, ये कहीं ना कहीं गवार दम के लिए अच्छा है, क्योंकि रुपये में भी गिरावट बढ़ी हुई है। तो अगस्त तक 8000 थोड़ा सा भी टाइम है, 15-20 दिन में मानसून का और सोइंग की एक्टिविटी का पता चल जाएगा। बट हाँ, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि अदर प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो सोइंग एक्टिविटी में हम देख रहे हैं गवार का एरिया थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि कपास, सोयाबीन, इनमें रकबा बढ़ रहा है। बट ओवरऑल हमें लगता है 6400 का लेवल इमीडिएट टू ब्रेक है, अगर ये तोड़ता है तो हम 7000-7100 तक का लेवल इमीडिएट में कंजर्वेटिवली देख सकते हैं। वहीं गवार गम में 14.5 से 15 का लेवल देख सकते हैं। बट अगला 15 दिन मानसून, सोइंग, ये दो इंपॉर्टेंट है, जबकि एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है, क्योंकि यूएस का प्रोडक्शन अगले 3-4-6 महीने में अच्छा इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। ओके,